जारा, जारा तुमने हमारा अस्सलाम वालेकुम कबीर मियां। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया करना है तो कबीर मियां अपनी बेगम का कीजिए। ये सारा प्लान उन्हीं का था, हम तो बस उनका हुक्म मान रहे थे। हमने तुमसे कहा था ना कबीर मियां कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत समझदार बेगम दी है। अपनी बेगम से कहिएगा कि हमने अपने हिस्से का पूरा काम कर दिया, उन्हें शाम तक नतीजा मिल जाएगा। जरूर बता देंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मिराज का फोन था। तुम्हारी बातों से समझ गए थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि तुम्हारा काम कर दिया और शाम तक नतीजा मिल जाएगा। वैसे हमें कुछ काम के लिए बाहर जाना है, तुम घर की जिम्मेदारियां देख लेना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये जारा हमें क्यों फोन कर रही? हेलो, कैसी हो रुखसार? जब तुम इसी घर में हो जारा तो हमें क्यों फोन कर रही हो? इतनी पसंद है तुम्हें हमारी आवाज? अभी से तुम्हें आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब तुम शादी के बाद दुबई चली जाओगी तो हम ऐसे ही तो बात क्या करेंगे। ये सब चल क्या रहा है? मिराज भी अलग बर्ताव कर रहा था और अब ये। हम तुम्हारा खेल अच्छे से समझ रहे हैं जारा, हमारे साथ ये खेल खेलना मत, वरना तुम्हें पछताने के लिए वक्त भी नहीं मिलेगा। वक्त मिले या ना मिले, मगर हम तुम्हें कोई भी खेल खेलने का मौका नहीं देंगे रुखसार। ना ज्यादा मत उड़ो जारा बेगम, जिसके बलबूते पे तुम उड़ रही हो ना, तुम उसके बारे में जानती क्या हो? मिराज तो सिर्फ एक, जिनके मकान शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों पे पत्थर नहीं उछालते। बात पूरी करो रुखसार, मिराज तो क्या? तुम और वो मिलकर कितने भी खेल खेल लो जारा, मगर हम इस घर से कभी नहीं जाएंगे। तुम ये घर भी छोड़कर जाओगी और ये मुल्क भी। तुम्हें निकाह करके दुबई तो जाना पड़ेगा रुखसार। फिलहाल हमारा पीछा करना छोड़ो, अम्मी तुम्हें बुला रही थी, उनके पास जाओ। अम्मी, आपने हमें बुलाया? हाँ हाँ, आओ रुखसार। बैठो रुखसार। कैसा है ये? अच्छा है। तुम पे बहुत जचेगा, तुम इसे रख लो। तुम भी हमारी बेटी की तरह हो, हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? जी अम्मी, हम तो हमेशा से आपकी मोहब्बत को मानते आए हैं। कौन किसी की बेटी के लिए इतना सब करता है जितना आपने हमारे लिए किया है। अल्लाह पाक आपको आपके किए का बदला जरूर देगा। जितनी भलाई आपने हमारे लिए की है ना अम्मी,
कोई आपकी बेटी अलीना के साथ भी करेगा। हमारे दिए हुए तोहफे तुम्हें पसंद आए रुखसार? आप तो हमेशा से जानती हैं, बचपन से हमें एक ही हीरा चाहिए था, वो भी आपने किसी और को दे दिया। बच्चों की हर जिद को पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए जो मिला है उसी में खुश रहना सीखो। आप भले ही हमारे पसंद का तोहफा किसी और को दे दो, मगर हमें जो चाहिए वो हम लेकर रहेंगे। इफ्तार में पहनोगी तो हमें अच्छा लगेगा। सरफराज, ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं, ये सब छोटी बहू ने करने के लिए कहा है। अबू, आज कुछ खास है क्या? ये तैयारियां, सजावटें, ये सब? भाई वैसे इसके बारे में हम भी कुछ ज्यादा नहीं जानते, बस कबीर ने ये कहा था कि आज इफ्तार पे कोई खास मेहमान आने वाला है। खास मेहमान? अब कौन आ रहा है? ये लो, आ गया कबीर। अरे भाई, अब तो बता दो कौन है तुम्हारा खास मेहमान। नहीं सर, ये राज हमारे और कबीर के अलावा सिर्फ जारा भाभी जानती, और हमें पूरा यकीन है कि वो किसी से कुछ नहीं कहेंगे। इंशाल्लाह। और वैसे भी अबू, ये सजावट, ये जश्न, ये तोहफे हम में से किसी के लिए नहीं है, ये सरप्राइज सिर्फ और सिर्फ रुखसार के लिए। रुखसार? ये सब यहां हो क्या रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। रुखसार, तुम्हें अंदाजा भी है कि ये लोग क्या खेल खेल रहे हैं? बच्चों, लगता है कि सब मिलकर हमारी शादी का खेल। अरे सीनत भाभी, आप यहाँ हैं? अम्मी कब से आपको ढूंढ रही हैं? आओ रुखसार, आज हम तुम्हें अपने हाथों से सजाएंगे। तुमसे एक बात पूछें जारा, सच सच बताओगी? अगर बात बताने लायक होगी तो जरूर बताएंगे। पूछो। तुम सब मिलकर हमारी शादी कराना चाहते हो ना? वाह रुखसार, एकदम सही अंदाजा लगाया है। हमने तुम्हें अपना खून देकर तुम्हारी जान बचाई है, कई बार तुम्हारी हरकतों को अनदेखा किया। पता है क्यों? क्योंकि तुम बेमां बाप की बेटी हो। हमें लगा कि अगर तुमसे ये घर छूट जाएगा तो कहाँ जाओगी तुम, लेकिन तुमने तो कभी ना सुधरने की कसम खा रखी है रुखसार। हमेशा हमेशा उसी रास्ते पर जाने की कोशिश करती हो जहां पर नो एंट्री लिखा है। तुम्हें क्या लगता है जारा, अगर हम नो एंट्री में एंट्री कर रहे हैं तो सिर्फ बच्चों की सपोर्ट से? जारा बेगम, सिर्फ बच्चों ही नहीं बल्कि अब्बू ने भी हमसे वादा किया था कि हमारा कबीर सिर्फ हमारा होगा। उन्हें पता है कि इस घर के लिए कई मायनों में तुमसे ज्यादा अच्छी बहू हम है। हमने तुमसे कहा था जारा, इस खेल में हम अकेले नहीं हैं, इस खेल में
कुछ पर्दा नशीनों के नाम भी हैं। क्या सचमुच अब्बू ऐसा कर सकते हैं? कबीर, ये लोग अभी तक नहीं आए, तुमने इत्तला की थी ना बेटा? फोन किया था, अभी रास्ते में ही। ये तो ज्यादती है बेगम, आप जानती हैं फिर भी हमें बता नहीं रही। सब्र कीजिए, खुद ब खुद पता चल जाएगा। अब्बू ने भी हमसे वादा किया था कि हमारा कबीर सिर्फ हमारा होगा। इस खेल में हम अकेले नहीं हैं, कुछ पर्दा नशीनों के नाम भी हैं। क्या अब्बू भी रुखसार से मिले हुए थे? लेकिन उसके लिए रिश्ता भी तो वही लाए थे। अरे वो लोग आ गए। अच्छा, हमदान मियां, खुशामदीद। मिराज, शुक्रिया। मिराज साहब बता रहे थे कि आप हमारी वजह से परेशान हैं। हालांकि हमें आपके ख्यालात तभी से मालूम है जब हम आपसे मिलने आए थे, मगर फिर भी हमें यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि आप हमारे बारे में सोचती हैं। कबीर और मिराज साहब तो अपना प्रोजेक्ट हमारी शादी तक के लिए पोस्टपोन करना चाहते थे ताकि आप सारी परेशानी से बची रहें। मगर हमने कहा कि आप लोग अपना नुकसान क्यों करें, आपका प्रोजेक्ट लेट नहीं होगा, बल्कि हम अपनी होने वाली दुल्हन को परेशानी से बचाने के लिए शादी तय वक्त से पहले कर लेंगे। अब अगर आप चाहें तो ये प्रोजेक्ट छोड़ सकती हैं। देखिए रुखसार, आपको ये प्रोजेक्ट छोड़ने के लिए ये NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट साइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है कि हम चाहते नहीं कि आपको किसी कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़े। नहीं, लो रुखसार। पेन देना तो हम आपको भूल ही गए, रुक सर लीजिए ना। रुक सर साइन करो।
लाइए रुखसार, हम रख लेते हैं इसे। शुक्रिया। मेराज, हमें दे दीजिए, हम संभाल के रख देते हैं। ये लीजिए। ज़ारा, ये हमें दो। ये तुम्हारे लिए नहीं है रुखसार। ज़ारा हमें ये दे दो। ज़ारा हमें दो। सर, हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझने की भूल मत करना रुखसार। कश्मीर के लिए तुम्हें माफ कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी हर हरकत हम बर्दाश्त करेंगे। आज के बाद अगर ऐसी हरकत की ना रुखसार, तो एक बात याद रखना, हम तुम्हारा वो हाल करेंगे। आइए ज़ैनब, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं अम्मी, समझाइए रुखसार को, इतनी खुशी का मौका है और बाल भी ठीक से नहीं बना है। ये दोनों भी ना, जो करना है बाद में करो, इफ्तारी का वक्त हो गया, बहुत सारे काम है, जल्दी आ जाओ। जी अम्मी। आइए ज़ैनब बहन, आइए चलो। राशिद चाचा, ये इधर रख दीजिए। मंगनी की रस्म शुरू करते हैं। मगर ज़ारा, रमजान में मंगनी या शादी नहीं कर सकते। हमें लगता है कि इस मसले पर हमसे बेहतर कबीर रोशनी डाल सकते हैं। क्यों कबीर? जरूर ज़ारा। भाभी आपने सही कहा कि लोग रमजान में शादी निकाह जैसी रस्में नहीं मनाते, मगर ये उनकी गलतफहमी, क्योंकि मजहब में तो ऐसी कोई पाबंदियां नहीं। रमजान में निकाह शादी जैसी जायज खुशियां मनाई जा सकती है, जरूर मनाई जा सकती है। चलिए बिस्मिल्लाह करें। जी। ये लो बेटा। ये लो रुखसार। सर जल्दी करो, आज तुम्हारी मंगनी की मिठाई से सब रोजा इफ्तार करेंगे। रुखसार, शर्माओ मत, अंगूठी पहनाओ।
कितनी मुबारक घड़ी है। सना जावेद, जाके इफ्तार की तैयारियां शुरू करो। लीजिए, सबसे पहले आप इफ्तार करिए, आपके बगैर ये खुशी मुमकिन नहीं हो पाती। शुक्रिया। मंगनी मुबारक हो रुखसार।